हेलो स्टूडेंट, हमारा यूनिट 7 चल रहा है और यूनिट 7 में हमने फ्लोट के बारे में और करंट मीटर के बारे में और साथ में पिटोट टिप के बारे में हमने कवर किया है। अब यूनिट 7 में जो अगला टॉपिक है वो हमारा नोचेज एंड वेयर के बारे में है। मतलब अल्टीमेटली ये जो नोचेज और ये जो वायर है इसका यूज किया जाता है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक जो नोचेज एंड वायर हैं तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि ये नोचेज और वायर होते क्या हैं और इनके कैसे अलग अलग टाइप का इसका क्लासिफिकेशन होता है। और इसके बाद इसमें जैसे नोचेज होता है तो नोचेज का अलग अलग शेप होता है, तो उस शेप के लिए डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो भी अलग अलग होता है। तो देखिए एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या पूछ सकता है, नोचेज एंड वायर का डेफिनेशन पूछ सकता है, उसका क्लासिफिकेशन बताइए करने को ये पूछ सकता है, या बोल सकता है कि उसके लिए कुछ एक छोटा सा 2 या 4 लाइन का फॉर्मूला आएगा डिराइव करने के लिए कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला डिराइव करिए और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, क्लियर है। तो अगर हम इतना टॉपिक अगर इतना सारा मटेरियल अगर हम कवर कर लेंगे इस नोचेज एंड वायर में तो इससे एक फिक्स क्वेश्चन रहता है, क्लियर है। तो वो हमारा इस पर्टिकुलर 7th यूनिट का एक अच्छा मतलब कि टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नोचेज एंड वायर होता क्या है इसको देखते हैं, देन क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो उसके लिए ये डायग्राम देखिए, देखिए अगर ये एक टैंक है, क्लियर है, ये एक टैंक है और इस टैंक के साइड में हमने कुछ ओपनिंग दिया है जिससे कि यहाँ पे जो भी अगर मान लीजिए वाटर यहाँ पे स्टोर है तो जब यहाँ पे हम लोग कुछ ओपनिंग देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से वाटर जो है वो इस पर्टिकुलर में फ्लो होगा, इस पर्टिकुलर वे में फ्लो होगा। तो देखिए जब भी किसी टैंक के साइड में हम कुछ ओपनिंग दे देंगे जिसके थ्रू हमारा वाटर जो है वो कंटिन्यूसली जो है यहाँ से फ्लो होते रहे तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग नोचेज बोलते हैं, क्लियर है। मतलब टैंक के अगर कोई भी एक टैंक है, रिजर्वायर है, वेसल है, उसके साइड वॉल में अगर हम ओपनिंग दे देंगे, क्लियर है, तो इस ओपनिंग को जो देंगे तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, नोच बोलेंगे, क्लियर है। इसका एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा हम लोग टंकी बनाए हुए हैं या फिर कोई भी बहुत बड़ा टैंक है, वेसल है और उसके साइड में हमने ओपनिंग दे दिया है और उस ओपनिंग के थ्रू में हमारा जो है वाटर फ्लो हो रहा है जो भी उसमें स्टोर है, क्लियर है। और फिर उसमें कितना स्टोर है, किस रेट से फ्लो हो रहा है, अगर हम उसको मेजर करने के लिए अगर हम ये ओपनिंग दे रहे हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग नोच बोलेंगे। अब दूसरा वर्ड आता है वायर। वायर क्या होता है, तो ये वायर आप लोग देखे होंगे, जब भी आप लोग ये कहीं देखे होंगे कि जो रिवर होता है या फिर कैनाल होता है तो वहाँ पे देखिएगा कि एक जो उसके ऊपर ब्रिज बने रहता है और ब्रिज के नीचे में आप देखेंगे कि एक जैसे सपोज करो कि यहाँ से अगर ये पानी आ रहा है तो ये पानी आ रहा है तो यहाँ पे एक एलिवेटेड सरफेस रहता है। तो ये एलिवेटेड सरफेस क्या करता है, एक तरह के से देखिए जब भी वाटर फ्लो हो रहा है मान लीजिए कि फ्लो का डायरेक्शन इधर है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम और इधर वाले साइड को हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ये तो मुझे लग रहा है पता ही होगा आपको। तो देखिए जैसे सपोज करिए वाटर यहाँ से आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर आप कैनाल का भी अगर आप देखे होंगे, जो नहर होता है अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे एक क्या होता है, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर रहता है और वहाँ से पानी स्टोर होता है और जब एक लेवल से ऊपर हो जाता है तब एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे जो पानी है इतना लेवल तक तो ये स्टोर है ही, अप स्ट्रीम में इतना वाटर को मेंटेन कर रहा है। अब जैसे ही मान लीजिए वाटर का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो इसके ऊपर से वो एक नीचे की तरफ डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, क्लियर है। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि हमें किसी लार्ज रिवर के ऊपर में या फिर आपके कैनाल के ऊपर में कॉन्क्रीट का जो सीमेंट कॉन्क्रीट होता है या मेसनरी वॉल से ऐसे बनाया हुआ रहता है तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, वायर बोलेंगे। तो मतलब नोच क्या हुआ कि किसी वेसल के साइड में हम लोग एक ओपनिंग दे रहे हैं वाटर को फ्लो करने के लिए तो वो हमारा जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो नेपे हो जाएगा, सॉरी नेपे कह रहे हो, नोच हो जाएगा, क्लियर है। और अगर यही सेम चीज वाटर फ्लो करने के लिए रिवर के ऊपर या कैनाल के ऊपर में एक सीमेंट का हम लोग एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं
और उसके ऊपर से जो ऐसे इस तरीके से कुछ फ्लो होने का अरेंजमेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग वायर बोलेंगे। जब आप कहीं विलेज एरिया में गए होंगे तो जहाँ पे किसी के अगर मान लीजिए विलेज एरिया में गाँव है और वहाँ से केनाल पास हो रही होगी, तो आप देखोगे कि इस तरीके का जो ब्रिज रहता है और ब्रिज के नीचे में एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ पानी जो है वो इकट्ठा होता है और जब उससे ऊपर हो जाता है तो नीचे की डायरेक्शन में फॉल करता है। क्लियर है? तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? वायर बोलेंगे। और अगर किसी वेसल के साइड में अगर हम ओपनिंग देंगे वाटर को फ्लो होने के लिए, तो उसको हम लोग नोच बोलते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि नोच क्या होता है। तो नोच, इट इज डिफाइंड एज एन ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द साइड ऑफ द टैंक। एक ओपनिंग हमने प्रोवाइड किया है कहाँ पे? साइड ऑफ द टैंक में, सच दैट द लिक्विड सरफेस ऑफ द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। ये टॉप एज द ओपनिंग है, तो जो भी लिक्विड सरफेस होगा उसके नीचे में ही रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग नोच बोलते हैं। एंड इट इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज फ्रॉम द टैंक, कि इस पर्टिकुलर टैंक से कितना डिस्चार्ज हुआ उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं इस नोच के हेल्प से। क्लियर है? नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ वायर। तो वायर का क्या डेफिनेशन है? कि इट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर और कैनल टू स्टोर वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड। अपस्ट्रीम साइड में एलिवेटेड स्ट्रक्चर कर दिए तो यहाँ तक तो हमारा वाटर स्टोर रहेगा ही रहेगा। अब उसके ऊपर अगर वायर वाटर का लेवल ज़्यादा होगा तब वो डाउनवर्ड साइड में फ्लो होगा। तो इसका मेन पर्पज़ क्या रहता है कि वायर का मेन पर्पज तो पहला ये रहता है कि कितना डिस्चार्ज हुआ लार्ज रिवर और कैनाल में उसको मेजर करने का, और दूसरा अपस्ट्रीम साइड में एक लेवल तक एक अमाउंट तक वाटर को मेंटेन करना है उसको, ये मेंटेन करने के पर्पज से इस पर्टिकुलर वायर को बनाया जाता है। तो डेफिनेशन भी क्लियर हो गया कि वायर का क्या है। इट इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर और कैनल टू स्टोर वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड एंड इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट और मशीनरी वॉल टू यूज मेजर द लार्ज डिस्चार्ज। ठीक है, सो हम लोग नोच के बारे में देख लिए और वायर के बारे में देख लीजिए। नोच क्या हो गया? क्लियर हो गया कि जब हम किसी टैंक में एक स्मॉल ओपनिंग दे रहे हैं और वहाँ से अगर हमारा वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको अगर हम उसके डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए मेजर कर रहे हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नोच बोल रहे हैं। और जब हम लोग किसी बड़ा सा जो रिवर है कैनाल जो फ्लो हो रहा है उसके ऊपर में अगर हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर सीमेंट का या मशीनरी ब्रिक का, और उससे हम अगर डिस्चार्ज मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम लोग वायर बोल रहे हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स होते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, सील या क्रेस्ट, नेप या वेन, तो ये हो सकता है कि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, जो भी हमारा जो नेप होगा तो नेप और वायर क्या हो जाएगा कि जब भी हमारा, देखिए यहाँ इसको बोला जाता है क्रेस्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्रेस्ट ही देख लेते हैं, सील या क्रेस्ट। तो ये क्या होता है? बॉटम ऑफ द नोच ओवर विच द लिक्विड इज फ्लोइंग। मतलब कि अगर ये नोच है, यहाँ पे हमने नोच स्ट्रक्चर दिया है, तो जो इसका जो बॉटम, नोच का जो बॉटम स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको यहाँ इसको बोला जाता है सील या क्रेस्ट। वैसे ही वायर के केस में वाटर किसके ऊपर फ्लो हो रहा है? इसके ऊपर। तो ये पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सील या क्रेस्ट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो सील या क्रेस्ट क्या हुआ कि नोच का बॉटम जो सरफेस होगा उसको बोलेंगे, या वायर का ये वाला जो सरफेस होगा, जो बॉटम होगा जिसके ऊपर से हमारा वाटर फ्लो होगा, उसको हम लोग सील या क्रेस्ट बोलेंगे। और नेप और वेन क्या होता है? तो ये जो वाटर का ये जो अमाउंट फ्लो हो रहा है, तो इसके जैसे बोलते हैं ना कि जो उसका फ्लो है, या जिसको धार हिंदी में बोलते हैं, जो इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये होल पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग नेप या वेन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? नेप एंड वेन, द सीट ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द नोच। मतलब कि जिस ना अमाउंट में, जितना थिकनेस से ये फ्लो हो रहा है, तो ये होल जो वाटर का जो फ्लोइंग जो थिकनेस है उसी को हम लोग नेप या वेन बोलते हैं। क्लियर है? तो हमारा नोच भी कंप्लीट हो गया, वायर भी कंप्लीट हो गया, और ये जो दो टर्म्स होते हैं सील क्रेस्ट या नेपे या वेन, वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, कि ये जो नोच होता है उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब जैसे देखिए, अगर ये टैंक है और इस टैंक में अगर हम लोग ओपनिंग रेक्टेंगुलर देंगे,
क्लियर है, मतलब अकॉर्डिंग टू शेप कि इस नोच का शेप क्या है उसके बेसिस पे ही एक्चुअली नोच को क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर ये ओपनिंग रेक्टेंगुलर होगा, मतलब कि अगर किसी टैंक है और उसमें जो हमने जो भी ओपनिंग दिया हुआ है अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो वैसे नोच को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर नोच। अगर वही जो ओपनिंग होगा वो ट्रैंगुलर होगा तो वो ट्रैंगुलर नोच हो जाएगा। ट्रेपोजोडल कैसा होता है, अगर आप ट्रेपोजोडल के बारे में देखे होंगे तो कुछ इस तरीके से होता है ट्रेपोजोडल। इस तरीके से ट्रेपोजोडल होता है, क्लियर है, ये मतलब कि दो रेक्टेंगल होता है और एक दो ट्रायंगल होता है और एक रेक्टेंगल होता है। तो अगर इस टाइप का ओपनिंग अगर हम लोग वहाँ पे दे देंगे तो वैसे हम लोग को बोलेंगे ट्रेपोजोडल नोच। और अगर हम लोग यहाँ पे ओपनिंग जो है एक स्टेप फॉर्म में दे देंगे कि मतलब कि ये अगर इसका फ्रंट व्यू आप देखोगे ओपनिंग का, तो अगर वो स्टेप के फॉर्म में, स्टेप मतलब क्या कि ये लेयर एक दूसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है, तो अगर इस टाइप का ओपनिंग देंगे तो वैसे नोच को हम लोग स्टेप नोच बोलते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया कि जो भी टैंक में जब हमने ओपनिंग दिया है उसका क्या शेप है उसके आधार पर नोच को क्लासिफाई किया जाता है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपोजोइडल और स्टेप। क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब इसमें लिखने वाली ऑब्वियसली क्या ही बात है, आप खुद लिख सकते हैं कि इफ द ओपनिंग ऑफ द टैंक इज इन रेक्टेंगुलर शेप That type of notch is known as rectangular. अगर opening वही triangular है, if the opening of the tank is in triangular shape, that type of notch is known as triangular shape. तो अगर आप चाहें तो आप इसका definition या जो भी एक एक line में लिख लीजिएगा कि बस यही लिखना होगा। मेन अब हम लोग मेन क्लासिफिकेशन देखते हैं, वायर का क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो इसका थोड़ा नंबर ऑफ अलग अलग पैरामीटर है जिसके बेसिस पे इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो पहला इसका भी क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द शेप, कि मतलब अगर हमने ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अगर ये रेक्टेंगुलर कि बस जस्ट एक वॉल रेक्टेंगुलर वॉल खड़ा कर दिए और उसके ऊपर में ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है तो वैसे वायर को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर वायर। अगर उसी के जगह में कि कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में, मतलब मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे ऐसे वॉल खड़ा किए हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ वॉल खड़ा किए हैं, पानी उधर से आ रहा है, हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक ट्रायंगुलर टाइप का हो गया कि जो वाटर है वो यहाँ से इस तरीके से इधर से फ्लो हो रहा है। क्लियर है, मतलब यहाँ पे अगर आप इसका यहाँ से फ्रंट व्यू देखेंगे तो अगर ये ट्रायंगुलर टाइप में रहेगा कि दो तरफ स्ट्रक्चर है और बीच में ट्रायंगल के टाइप का है और वहाँ से वाटर इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा। जो आप लोग रूरल एरिया में होंगे तो आप लोग ज़रूर इस टाइप का देखे होंगे, या एक जस्ट हॉरिजॉन्टल वॉल खड़ा कर दिए और उससे वाटर फ्लो हो रहा है, तो अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो वो हमारा रेक्टेंगुलर हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे ओपनिंग जो है अगर वो फ्रंट व्यू में देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर शेप में है तो वो हमारा ट्रायंगुलर वायर हो जाएगा। अगर वही शेप ट्रेपोजोइडल फॉर्म में हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपोजोइडल वायर हो जाएगा। और एक स्पेशल टाइप का ही ट्रेपोजोइडल होता है, उसी को हम लोग का कभी कभी नाम जो होता है सिपोलेटी वायर के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। तो बेस्ड ऑन, जैसे हमने नोज के बारे में देखा कि वो जो ओपनिंग होता है उसके शेप के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, वैसे ही वायर को भी उसके ओपनिंग के आधार पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं और क्लासिफिकेशन कि ये जो हमारा जो क्रेस्ट है तो उसका शेप कैसा है, नैरो शेप है कि ब्रॉडर शेप है, उसके बेसिस पे भी वायर को क्लासिफाई किया जाता है। तो नैरो क्रेस्टेड वायर, ब्रॉड क्रेस्टेड वायर, क्लियर है। तो ये बस आप लोग देखिए, इसमें और अलग से कोई डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए क्लासिफिकेशन आएगा इस तरीके से, आप लिख लीजिए और एक एक लाइन लिख लीजिए कि इफ़ द ओपनिंग ऑफ द वायर इज इन ट्रेंगुलर शेप तो वो ट्रेंगुलर वायर हो जाएगा, इफ ओपनिंग ऑफ द वायर इन रेक्टेंगुलर शेप तो वो रेक्टेंगुलर वायर हो जाएगा। वैसे ट्रेपोजोइडल के बारे में भी लिख लीजिएगा, इफ द बेस ऑफ द क्रेस्ट, इफ द विड्थ ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द वायर इज नैरो तो वो नैरो क्रेस्टेड वायर हो जाएगा, और अगर वही विड्थ ब्रॉडर है तो ब्रॉडर क्रेस्टेड वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। देन नेचर ऑफ द क्रेस्ट, नेचर ऑफ द शेप मतलब कि एकदम शार्पली अगर वो है, एकदम शार्प टाइप से है तो वो शार्पली क्रेस्टेड वायर हो जाएगा, और अगर वो शार्प नहीं है, नॉर्मल है, तो उसको हम लोग ओलिगी वायर कहेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जब आगे आगे वाला टॉपिक होगा उसमें हम लोग देख लेंगे। मेन यहाँ पे देखिए एक है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिस्चार्ज, तो एक होता है ऑर्डिनरी या इसी को हम लोग बोलते हैं
फ्री डिस्चार्ज वायर, क्लियर है? अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्री डिस्चार्ज वायर। और दूसरा होता है समर्ज्ड और ड्रॉन्ड वायर, क्लियर है? तो अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है ना, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखे ऑर्डिनरी या फ्री डिस्चार्जिंग वायर का, तो इफ द वाटर लेवल ऑन डाउन साइड, देखिए अगर ये वाटर लेवल जो है डाउन साइड ऑफ द वायर इज वेल बिलो द वायर क्रेस्ट, मतलब ये हुआ कि देखिए ये हमारा क्रेस्ट हो गया और जो भी हमारा पे जो भी वाटर फ्लो हो रहा है और इधर वाटर का मान लीजिए कि लेवल यहाँ पे है, तो अगर ऐसा है और यहाँ से वाटर हमारा फ्लो हो रहा है तो इस तरीके से इस तरीके का जो भी वायर होगा, अगर मैं चाहूँ तो इसका अभी रफ नहीं करता हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग यहाँ पर बना लेते हैं इसको। देखिए अगर मान लीजिए ये वायर है, इधर पे पानी भरा हुआ था, अब जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे है मान लीजिए डाउन साइड, ये डाउन साइड होता है, तो अगर डाउन जो वायर होता है उसके डाउन साइड में जो वाटर लेवल होगा वो बहुत नीचे होगा अप इसके क्रेस्ट से, तो उससे क्या होगा कि यहाँ से वाटर कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ये फ्रीली फ्लो होगा। तो इस तरीके का जो भी वायर होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्री डिस्चार्ज वायर, क्लियर है? और अगर वही जो है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो वाटर है वो यहाँ तक लेवल पे है, क्लियर है? यहाँ तक तो फ्लो हो ही रहा है, इसके अलावा यहाँ तक है, तो अब जो है वो किस तरीके से फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। मतलब अगर आप इसका पहला वाला डायग्राम तो आप बना लीजिए इस तरीके से कि पानी यहाँ पे है तो ये पानी जब ओवर हुआ तो इस तरीके से ऐसे फ्लो होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऑलरेडी ये सबमर्ज्ड है, यहाँ तक तो ये पूरा इस अच्छे से सबमर्ज्ड है, अब वाटर जो है वो यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस टाइप का अगर वायर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबमर्ज्ड। नाम से ही क्लियर है कि सबमर्ज्ड वायर, मतलब कि ये पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है। और दूसरे वाले केस में क्या है कि हमारा जो वाटर लेवल है डाउन साइड में वो कुछ यहाँ पर है, इस लेवल पे है और यहाँ से हमारा वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीली या ऑर्डिनरी वायर, फ्रीली डिस्चार्ज वायर या ऑर्डिनरी डिस्चार्ज वायर, क्लियर है? तो इस तरीके से हमने नोचेस वायर और उसके जो अलग अलग टर्म्स हैं उसके बारे में और क्लासिफिकेशन देखे, क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर, ट्रेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल के लिए, ठीक है?